तो हम लोग आज सीख रहे हैं गोले में कौन सा चिन्ह लगेगा, गोले में कौन सा चिन्ह लगेगा, ये है छोटा, ये बड़ा, ये बराबर का चिन्ह है। जिधर जो संख्या बड़ी होती है हम लोग उधर मुंह क्या करते हैं, खोल देते हैं, और जो छोटी होती है उधर मुंह बंद रहता है, क्या होता है, बंद रहता है। अब देखिए हम लोग पांचवा देखेंगे, एक तरफ दिशा है जीरो छह, जीरो गोला है, उसके बाद क्या लिखा है, जीरो छह जीरो, ये बताइए ये क्या लिखा है, छह, और ये सात। अब बराबर कैसे होगा बेटा, एक तरफ छह है और एक तरफ साठ है। गिनती से पहले जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, गिनती के आगे जीरो लगता है तो उसका मान होता है। तो आप लोग कौन सा चिन्ह लगाएंगे, पहला दूसरा कि तीसरा, मतलब पहला चिन्ह लगाएंगे क्योंकि साठ छह से बड़ा है, जिधर मुंह खुला रहेगा वो बड़ा, जिधर मुंह बंद वो छोटा, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, एक तरफ लिखा है 45, एक तरफ क्या है, 30 लिखा है ना, हमको बताएगी अस्मिता, अस्मिता ये बताओ 45 बड़ा है बेटा कि 30 बड़ा है, 45 बड़ा है कि 30 बड़ा है, 45। तो हम लोग कौन सा चिन्ह लगाएंगे, पहला चिन्ह लगाएंगे कि दूसरा, हम लोग इसमें दूसरा चिन्ह लगाएंगे, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि अगर पहला लगा देंगे तो बड़ा ये हो जाएगा, जबकि ये 45 से 30 बड़ा नहीं है, तो हम लोग पहला चिन्ह लगाएंगे, सॉरी दूसरा चिन्ह लगाएंगे। फिर देखिए अब जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा, इधर ध्यान दीजिए, एक तरफ है 83, एक तरफ है 85, नहीं 85, खड़े हो जाओ, बताओ क्या कौन कौन सी संख्या लिखी है, 83 और 95। तो अब ये बताओ हम लोग कौन सा चिन्ह लगाएंगे इसमें, पहला चिन्ह लगाएंगे क्योंकि 83 से 95 क्या है, बड़ा है, वेरी गुड, बैठ जाओ। फिर देखिए इधर है 56 और इधर है क्या 56, इधर भी 56 और इधर भी 56, इसके तुम खड़ी हो जाओ, बताओ इधर भी 56 है और इधर भी 56 है, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, तीसरा कौन सा चिन्ह है, बराबर है, दोनों संख्याएं क्या है, बराबर है। तो आप लोग इसको कॉपी में प्रिंट कर लीजिए सब लोग, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। रंजीत बेटा तुम भी भर लिए हो।